हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। सो मैं आपके सामने एफएम के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। वी दूस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई एग्जामिनेशन। सो माय डियर फ्रेंड, द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, देखिए क्या है। द फ्लो इज सेट टू बी अ क्रिटिकल फ्लो इफ फ्राउड नंबर इज। तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगर हम फ्राउड नंबर के बारे में बात करते थे तो दो चार चीजें मैं आप लोगों के लिए यहां पर बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम फ्राउड नंबर के बारे में कभी भी आपके सामने बात करेंगे तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जब फ्राउड नंबर का वैल्यू बेटा लेस देन वन होता है तो फ्लो इज जनरली कॉल्ड एज सबक्रिटिकल। ये जो फ्लो हमारे पास होगा उसको मैं आपके सामने सबक्रिटिकल फ्लो बोलता हूं। जब फ्राउड नंबर का वैल्यू इज इक्वल टू वन, फ्राउड नंबर का वैल्यू जब वन के बराबर होगा सो फ्लो इज जनरली कॉल्ड एज क्रिटिकल फ्लो। और जब फ्राउड नंबर का वैल्यू इज ग्रेटर देन वन, फ्राउड नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तब हम उसको सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। ये बात हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते थे। तो अगर मान लीजिए इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है द फ्लो इज सेट टू बी क्रिटिकल, फ्लो तब कब क्रिटिकल कहलाता है, तो बेटा फ्लो तब क्रिटिकल कहलाएगा जब फ्राउड नंबर का वैल्यू हमारा वन के बराबर होगा, तब हमारा फ्लो क्रिटिकल कहलाता है। तो फ्राउड नंबर इज इक्वल टू वन, जब हमारा फ्राउड नंबर वन के बराबर होगा तब हमारा फ्लो क्रिटिकल कहलाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होता हुआ हम सभी को नजर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटोनियन फ्लूइड द शेयर स्ट्रेस इज। तो हम सभी लोगों को मालूम है जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड को जब हमने डिफाइन करवाया था तो मैंने आपके लिए बोला था न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड कहलाता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ऑबे करता है, फॉलो करता है। अ फ्लूइड इज कंसीडर्ड एज अ न्यूटोनियन फ्लूइड, उस फ्लूइड को मैं आपके सामने न्यूटोनियन फ्लूइड कंसीडर करता हूं विच ऑबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ऑबे करेगा। अरे यही बताया था कि नहीं बताया था। और हमने आपसे यह भी बोला था कि न्यूटोनियन फ्लूइड में जो शेयर स्ट्रेस लगेगा वो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काय के, डी थीटा अपॉन डीटी के। अरे बताया था कि नहीं। और मैंने आपसे बोला था कि ये जो डी थीटा अपॉन डीटी होता है ना बेटा, ये डी थीटा अपॉन डीटी क्या होता है, सो डी थीटा अपॉन डीटी जो होता है इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन रेट। इसको हमने आपके सामने डिफॉर्मेशन रेट बोला था, सही बात है। तो इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन रेट हमने आपके सामने बोला था। ये एक प्रकार से अगर क्या होता है डिफॉर्मेशन रेट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअल में जब भी न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बात की जाएगा, जब अपन ने इक्वेशन को ड्राइव किया था, इक्वेशन को इसी कंडीशन में ड्राइव किया था हमने कि एक्चुअल में जो शेयर स्ट्रेस होता है इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डीटी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन रेट। ये डिफॉर्मेशन रेट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस बात को आप याद रखना। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है, यूलर नंबर इज द रिलेटेड टू। तो देखो हमें सभी नंबर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मैंने जब आपको मॉडलिंग एंड सिमिलिट्यूड स्टडी पढ़ाया था उस कंडीशन में ईच एंड एवरी नंबर हमने आपके सामने डिस्कस किया था। मेरे भाइयों अच्छे तरीके से सुनिए, वो नंबर क्या था। पहले तो हमने आपके सामने इनर्शिया, हमने आपके सामने बोला था कि एक होता है फ्राउड नंबर, और हमने बोला था फ्राउड नंबर क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसी तरीके से हमने बोला था रेनॉल्ड नंबर, अगर हम रेनॉल्ड नंबर के बारे में आपके सामने बात कर रहे थे तो अगर रेनॉल्ड नंबर के बारे में बात करते थे तो मैंने आपके सामने बोला था इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का। इसी तरीके से बेटा जब हम आपके सामने यूलर नंबर के बारे में बात करते थे तो यूलर नंबर के बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस किया था इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, ये हमने आपके सामने डिस्कस किया था। तो एक्चुअल में यूलर्स नंबर को जब भी डिफाइन किया जाता है वो इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का रेशियो है। समझ में आ रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का रेशियो होता है। इसलिए यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि यूलर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स से प्रेशर फोर्स का रेशियो होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए ये हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है द गैसेस आर कंसीडर्ड इनकंप्रेसिबल। गैसेस को हम कब इनकंप्रेसिबल कंसीडर करेंगे, तो द गैसेस आर कंसीडर्ड इनकंप्रेसिबल, गैसेस को हम तब कंसीडर करते हैं कंप्रेसिबल जब मैक नंबर का वैल्यू, याद रखना
मैक नंबर का वैल्यू इज लेसर देन 0.2, जब मैक नंबर का वैल्यू 0.2 से कम होता है बच्चों, तब हम उस गैसेस को हम इनकॉम्प्रेसिबल गैसेस के तरीके से ट्रीट करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ मैक नंबर इज लेसर देन 0.2, जब लेसर देन 0.2 होगा तब हम उसको कंसीडर एज अ इनकॉम्प्रेसिबल, जब हम उसको गैसेस को इनकॉम्प्रेसिबल कंसीडर करते हैं, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होने वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। हम डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे थे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, तो बच्चों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ये तो हमने ड्राइव करवाया है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने रटवा दिया हो, ये तो मैंने आपको ड्राइव करवाया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा, सही बात है ना। ये तो हमने ऑलरेडी आपको ड्राइव करवाया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने जब डायनेमिक विस्कोसिटी आप लोगों के लिए पढ़ाया था तो मैंने आपके लिए उसका एक एक्सप्रेशन लिखवाया था कि डायनेमिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है, दिस यूनिट इज किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड, सही बात है ना, ये हमने आपके सामने उसका यूनिट लिखवाया था। अगर हम किलोग्राम की आपके सामने बात करते हैं बच्चों, तो किलोग्राम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो किलोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, हम किलोग्राम को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। हम मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा मीटर, अगर मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं तो मीटर इज द लेंथ ना, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंड यानी टाइम, यानी इसको टी से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको ऊपर पहुंचा दो तो इसको लिखने का तरीका क्या था, इसको लिखने का तरीका था एम, L ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा L माइनस वन, और T ऊपर चला गया तो आ गया T माइनस वन, तो M L माइनस वन T माइनस वन, इट इज द डायमेंशनल लेस फॉर्मूला, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया हमारे पास, यानी कि M L माइनस वन T माइनस वन, आई थिंक B ऑप्शन मुझे करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन B इज करेक्ट, M L माइनस वन T माइनस वन, इट इज द करेक्ट वैल्यू, ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। If for a fluid in motion, अगर हमारा fluid motion में है, fluid rest में भी हो सकता है, fluid motion में भी हो सकता है, और दोनों की study भी हमने बखूबी पढ़ी है, सही बात है ना। तो हमने आपके सामने बोला if fluid is in rest condition, अगर हमारा fluid rest में है या फिर fluid is in motion, या तो हमारा fluid काय में होगा या तो हमारा fluid बेटा motion में होगा। जब हमारा fluid rest में है, जब हमारा fluid motion में है, प्रेशर एट अ पॉइंट इन सेम इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में प्रेशर का वैल्यू सेम है, then the fluid is, तो बेटा सभी डायरेक्शन में प्रेशर का वैल्यू सेम होने का मतलब उस पर शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो है, और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू अगर उस पर जीरो है, that means उस पर विस्कोसिटी एक्ट ही नहीं कर रहा, और अगर उस पर विस्कोसिटी एक्ट नहीं कर रहा, ऐसा कौन सा फ्लूड है जिस पर विस्कोसिटी एक्ट नहीं करता, अरे भैया ऐसा फ्लूड है केवल और केवल आइडियल फ्लूड। बेटा आइडियल फ्लूड ऐसा फ्लूड होता है जिस पर विस्कोसिटी इज बिकम इक्वल टू जीरो, प्रेशर हर एक डायरेक्शन में सेम होने का मतलब ही ये है कि उस पर शेयर स्ट्रेस एक्ट ही नहीं करेगा, और शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब उस पर विस्कोसिटी इज बिकम इक्वल टू जीरो, और अगर उस पर विस्कोसिटी जीरो होगा तो नो डाउट दिस फ्लो इज कंसिडर्ड एज अ, इस फ्लो को मैं आपके सामने आइडियल फ्लूड कंसीडर कर लूंगा, यानी कि वो फ्लूड जो होगा वो एक प्रकार से आइडियल फ्लूड होगा। इस बात को आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुझसे क्या बोलने वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है फ्लो ऑफ फ्लूड ओवर सरफेस टेक प्लेस ड्यू टू इट्स, तो भैया फ्लो ऑफ फ्लूड ओवर सरफेस, ठीक है ना, फ्लो ऑफ फ्लूड ओवर सरफेस, तो भैया हमने आपके सामने बोला कि एक्चुअल में जो फ्लो ऑफ फ्लूड है ओवर सरफेस, ओवर सरफेस का मतलब ये होता है, ओवर सरफेस का मतलब ये होता है एक फ्लूड के ऊपर फ्लो, हम फ्लूड फ्लो कर सकता है, तो वो क्यों हो सकता है ऐसा, तो डिफॉर्मेशन अंडर शेयर फोर्स, क्योंकि शेयर फोर्स के अंदर डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। मैंने आपके लिए बनवाया था एक डायग्राम की ये वाला एक लेयर है और ये वाला एक लेयर है, ये वाला लेयर u स्पीड से चल रहा है तो ये वाला स्पीड कैसे चलेगा, u प्लस du से, u प्लस du से चलेगा, सही बात है। तो आपके पास इस तरीके से डायग्राम बन रहा था कि नहीं बन रहा था, तो ये यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफॉर्मेशन अंडर शेयर फोर्स, शेयर फोर्स के कारण ये डिफॉर्मेशन आ रहा था, क्योंकि नीचे वाला सरफेस जो सब यानी जमीन जो होगा हमारा बॉटम होगा, बॉटम सबसे नीचे वाले शेयर पर सबसे नीचे वाले लेयर पर सबसे ज्यादा शेयर फोर्स एक्ट करेगा, ऊपर जाते जाते शेयर का वैल्यू कम होता जाएगा, यही तो मैं पढ़ाता था आपके लिए। तो ये डायग्राम ऐसा ही तो था कि ये यू स्पीड से चलेगा, ये यू प्लस डी यू स्पीड से चलेगा, तो ये डिफॉर्मेशन एक्ट करेगा, और ये डिफॉर्मेशन किसके कारण था, अंडर शेयर फोर्स के कारण ये डिफॉर्मेशन आ रहा था, इसी कारण से डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं आपके सामने, इन यूलर्स इक्वेशन, अगर हम यूलर्स इक्वेशन की बात करेंगे,
यार, तो आप सभी को याद है यूलर्स इक्वेशन ने क्या माना था? यूलर्स इक्वेशन कुछ अजम्पशन पर बेस्ड था। अरे सही बोल रहा हूं क्या? इफ आई विल टॉक अबाउट यूलर्स इक्वेशन, तो यूलर्स इक्वेशन बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, यूलर इक्वेशन कुछ अजम्पशन पर बेस्ड था। अब बात यह आती है कि सर यूलर्स इक्वेशन कौन कौन से अजम्पशन पर बेस्ड था, तो यूलर्स इक्वेशन जो अजम्पशन पर बेस्ड था उन अजम्पशन में से पहला अजम्पशन था कि हमें फ्लो को इनकॉम्प्रेसिबल मानना है। अरे सही बात है ना, जो पहला अजम्पशन इसने हमारे सामने डिस्कस किया था वो यही डिस्कस किया था कि हमें फ्लो को क्या मानना है, हमें फ्लो को इनकॉम्प्रेसिबल मानना है, यानी हम ये कंसिडर ही नहीं करेंगे कि हमारा फ्लो कॉम्प्रेसिबल है, हमें ये मान के चलना है कि फ्लो इज इनकॉम्प्रेसिबल, हमारा फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल होगा। सेकेंड बात मैंने आपसे बोला था कि हमें ये भी मान के चलना है कि फ्लो इज लेमिनार, हमारा जो फ्लो है वो लेमिनार है, हम टर्बुलेंस फ्लो को कंसिडर नहीं करते हैं, हमें लेमिनार फ्लो को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमने आपके सामने एक और चीज बताई थी कि जब भी हम यूलर्स इक्वेशन को डिफाइन करते हैं तो हम वेलोसिटी फोर्स को भी नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे। तो भैया सीधी सीधी बात है, फोर्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी इज नेगलेक्टेड, क्योंकि हमने इनकॉम्प्रेसिबल माना है ना, तो फोर्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, टर्बुलेंस को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आई विल कंसीडरिंग फ्लो इज लेमिनार और वेलोसिटी के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको भी हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको याद है मैंने आपके सामने एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बताई थी कि टोटल एफ इज इक्वल टू एम ए के फॉर्म में हमने इक्वेशन बताया था कि टोटल फोर्स में विस्कस फोर्स भी आएगा, ग्रेविटी फोर्स भी आएगा, सर्फेस टेंशन फोर्स भी आएगा, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस भी आएगा, वेलोसिटी फोर्स भी आएगा, लास्ट में जो फोर्स बचता था वो केवल क्या बचता था, एक बचता था हमारे पास प्रेशर फोर्स, और एक बचता था हमारे पास एक प्रेशर फोर्स बचता था और एक और फोर्स बचता था विस्कस फोर्स, है ना। इन फोर्स के अलावा कोई और फोर्स हमारे पास बचते ही नहीं था, तो ये बात, और बाकी सबको हमने नेगलेक्ट कर दिया था। उसके ऊपर नेवियर स्टोक इक्वेशन बन रहा था, आप लोगों को याद हो मैंने चार इक्वेशन फॉर्म करवाई थी, तो इनमें इन सब चीजों के फोर्स को हमें नेगलेक्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्योंकि हमने इनकॉम्प्रेसिबल माना है, टर्बुलेंस क्योंकि हमने लेमिनार माना है, तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ मर्करी डिप्रेशन इन, तो भैया आप लोगों ने जब कैपिलरी पढ़ा था तो हमने कैपिलरी में आप लोगों के लिए एक छोटा सा चीज बताया था, क्या बताया था कैपिलरी में एक छोटा सा चीज हमने आपके लिए बताया था कि अगर मान लीजिए सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग हियर, मैंने आपके सामने कंसीडर किया कि इस तरीके से आई विल कंसीडरिंग अ बीकर, और इस बीकर में हमने क्या करा, इस बीकर में हमने भर दिया आपके सामने पानी। अब जब इस बीकर में हमने वॉटर को फिल किया और इफ आई विल डिप कैपिलरी ट्यूब, तो कैपिलरी ट्यूब डिप करने के कारण हमारा पानी कुछ इस तरीके से ऊपर इस पर चढ़ जाता था, ठीक है ना। और लेकिन अगर मैं आपके सामने इसमें मरकरी को डिप करता, ठीक है ना, अगर मैं इसमें मरकरी भर जाता, मरकरी यानी पारा जिसको हम HG बोलते हैं, सो इफ आई विल फिल्ड HG, अगर मैं इसमें HG को फिल करता और अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक ट्यूब डालते, ठीक है, तो हमने देखा होगा कि ये नीचे आ जाता था और इस तरीके से शेप बना लेता था, ये बनाता था अगर देखा जाए तो कॉनकेव और ये बनाता था कॉनवेक्स। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसलिए ऐसा होता था क्योंकि मरकरी के बीच लगने वाला एडिसिव फोर्स था, ठीक है ना, मरकरी के बीच लगने वाला एडिसिव फोर्स ज्यादा था, कैसे, कोहेसिव फोर्स से, यानी वाटर और मरकरी के बीच लगने वाले फोर्स से ये ज्यादा था, जबकि यहां पर अपोजिट था, पानी के बीच लगने वाला एडिसिव कोहेसिव फोर्स कम था और पानी ग्लास के बीच लगने वाला एडिसिव फोर्स ज्यादा था, इसीलिए ये ऊपर चढ़ जाता था और ये नीचे आ जाता था, तो एडिसिव फोर्स का वैल्यू इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, एक ही पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा था जबकि डिफरेंट पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स कम था, तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बताएं सभी बच्चे। तो अगर मैं इसके ऑप्शन के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन होगा कोहेसिव इज स्ट्रॉन्गर देन एडिसिव, कोहेसिव फोर्स का जो वैल्यू था वो एडिसिव फोर्स से कहीं गुना ज्यादा था, स्ट्रॉन्गर था, इसीलिए हमने आपके सामने बोला था कि कोहेसिव इज स्ट्रॉन्गर देन एडिसिव, कोहेसिव फोर्स का जो वैल्यू होगा वो एडिसिव फोर्स से ज्यादा ही होगा, कोहेसिव इज स्ट्रॉन्गर देन एडिसिव, कोहेसिव फोर्स का वैल्यू एडिसिव फोर्स से ज्यादा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे आपके सामने क्या बोला गया है, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अगर मैं आपके सामने वेट निकाल रहा हूं पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में, यानी कि वेट अगर मैं निकाल रहा हूं आपके सामने पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या मैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम को आपके सामने, देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी, अगर मैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात करता था तो क्या मैं इसको आपके सामने
क्या मैं आपके सामने इसको यूनिट वेट या फिर स्पेसिफिक वेट बोलता था क्या? सही बात है ना। तो इसका इसको अगर मैं आपके सामने बात करूंगा, सो इट इज ऑल्सो नोन एज कौन सा वेट, तो इसको मैंने आपके सामने स्पेसिफिक वेट बोला था। अगर मैं W की बात करूं बेटा, तो W का यूनिट क्या हो जाएगा, तो W का यूनिट हो जाता है न्यूटन, और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, एमएम क्यूब। तो न्यूटन पर एमएम क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट था। अरे सही बात है कि नहीं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर एमएम क्यूब, ये इसका यूनिट होगा। तो अगर मैं आपके सामने कभी भी बात करता हूं काय के बारे में, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जब भी मुझे वेट पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज अ स्पेसिफिक वेट, हम उसको स्पेसिफिक वेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ स्पेसिफिक वेट, हम उसको काय की कैटेगरी में रख रहे हैं, हमने उसको आपके सामने स्पेसिफिक वेट की कैटेगरी में रख दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स इज कॉल्ड। तो अगर मैं आपके सामने इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स की बात करता हूं, तो या देखना बहुत ध्यान से, हमने आपके सामने काय काय की बात किया, सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। अगर मैं आपके सामने इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स के बारे में बात करूंगा, तो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का जो रेशियो होता था, क्या मैं उस नंबर को आपके सामने रेनॉल्ड नंबर बोलता था कि नहीं बोलता था? इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का जो रेशियो होगा, इट इज कॉल्ड एज कौन सा नंबर, तो इट इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर, हम इसको रेनॉल्ड्स नंबर बोलते थे। और इस विस्कोसिटी के कारण तो हम इसका यूज कहां पर करते हैं, इस विस्कोसिटी के कारण ही तो हम इसका यूज पाइप फ्लो में करते हैं बेटा। सही बात है, इस विस्कोसिटी के कारण ही हम इसका यूज कहां पर करेंगे, विस्कोसिटी के कारण ही हम इसका यूज पाइप फ्लो में करते हैं, इस बात को याद रखिए। फिर रेनॉल्ड नंबर अलग अलग तरीके से डिफाइन भी है, रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 तो लैमिनार, अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 2000 से लेकर 4000 तक है, तो इसका मतलब है दिस इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन। अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू इज ग्रेटर देन 4000 तो इट इज कंसिडर्ड एज अ टर्बुलेंट। लेकिन दीज वैल्यूज आर डिफाइंड ओनली फॉर पाइप फ्लो, बट इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो वैल्यू अगेन मॉडिफाइड हो जाती है। कैसे मॉडिफाइड हो जाएगी, हमने आपसे बोला अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू लेस देन 500 है, तो उस कंडीशन में उसको लैमिनार बोला जाएगा। अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 500 से लेकर 2000 तक है, तो इसका मतलब उसको ट्रांजिशन बोला जाएगा। अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 2000 आता है, तो ओपन चैनल फ्लो के केस में उसको मैं टर्बुलेंट फ्लो की कैटेगरी में रखूंगा। सही बात है, तो ये सब चीजें हमें ऑलरेडी अच्छे तरीके से पता है, अच्छे तरीके से हम जानते हैं। चलिए, तो हमसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन इज इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का रेशियो। तो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का जो रेशियो होगा, इसको आंख बंद करके हम टुक्का मार सकते हैं, इट इज अ रेनॉल्ड्स नंबर, हम इसको रेनॉल्ड्स नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाइयों, अच्छे तरीके सुनिएगा। When the fluid is at rest, अगर हमारा fluid rest में है, the shear stress is, तो भैया बड़े ध्यान से देखना, इसका आंसर बहुत आसान है और इसका सीधा एप्लीकेशन यूज होता है ग्रेविटी डैम के अंदर। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसका आंसर तो बहुत आसान है और इसका डायरेक्टली और सीधा यूज होता है किस डैम के अंदर, ग्रेविटी डैम की डिजाइनिंग के अंदर इसका डायरेक्टली और सीधा सीधा यूज किया जाएगा। अब यूज क्या है, ये हमसे बोल रहा है व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट, अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, अच्छे तरीके सुनना, व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट ना, अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, तो आपको ये नहीं लग रहा कि भैया स्पीड इज बिकम इक्वल टू जीरो, स्पीड जीरो होगा, यानी कि चेंज इन स्पीड डी यू इज बिकम इक्वल टू जीरो, यानी डी यू का वैल्यू जीरो होगा। हमने अगर आपके सामने शेयर स्ट्रेस के बारे में बात किया, तो शेयर स्ट्रेस क्या होता था, अगर मैं शेयर स्ट्रेस की बात करूंगा, तो ये होता था टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, इट इज द वैल्यू। तो अगर मैं आपके सामने म्यू डी यू बाय डी वाई, तो जीरो अपॉन डी वाई लिखूंगा, तो द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज बिकम इक्वल टू शून्य और नॉट, तो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज बिकम इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट में होता है, अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट में है, उस पर किसी भी तरीके का मोशन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा एक बात याद रखना कि व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट पोजीशन, अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में है, तो बेटा उस पर द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज बिकम इक्वल टू जीरो, हमेशा उस पर शेयर स्ट्रेस का वैल्यू शून्य के ही बराबर होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है, आराम से आप चीजों को समझ सकते हो। आर यू गेट माय पॉइंट, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, जब रेस्ट कंडीशन में है तो डी यू इज बिकम इक्वल टू जीरो, अब डी यू जीरो है, यानी कि टाउ इज बिकम इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो गया। सही बात है, अरे इसीलिए तो मैं बोलता था कि ग्रेविटी डैम के अंदर जब रिजर्वायर में पानी भरा जाता है,
तो रिजर्वायर के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उस पर जो स्ट्रेसेस एक्ट करेंगी, दीज स्ट्रेसेस आर कंसीडर्ड एज अ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी रेस्ट पोजीशन में है, और जब पानी रेस्ट पर होगा तो कोई शेयर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, केवल नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होती है। ऐसा प्लेन जिस पर कोई शेयर स्ट्रेस ना आए, केवल नॉर्मल स्ट्रेस आए, उसको प्रिंसिपल प्लेन बोलते हो कि नहीं बोलते? इसीलिए ग्रेविटी डैम का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, दिस प्लेन इज कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल प्लेन, हम उसको प्रिंसिपल प्लेन के तरीके से कंसिडर करेंगे, और उस पर लगने वाला जो नॉर्मल स्ट्रेस है, दीज स्ट्रेसेस आर कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, उनको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट, 1 किलोग्राम वेट इज एब्सोल्यूट यूनिट इज इक्वल टू, ओहो 1 किलोग्राम वेट का मतलब क्या? तो आपको मैंने बताया था इसको कैलकुलेट करना, W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देख लो, हम रटवा नहीं रहे हैं, आपको करवा रहे हैं क्वेश्चन ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो भैया, ये हमसे क्या पूछ रहा है, 1 किलोग्राम वेट इज एब्सोल्यूट यूनिट इज, 1 किलोग्राम वेट का एब्सोल्यूट यूनिट क्या है? तो अगर मैं आपके सामने बोलता हूं इज इक्वल टू मास का यूनिट क्या, किलोग्राम, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहे हो? तो इसको अगर हम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन, क्योंकि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा। और जी का वैल्यू तो हमें मालूम ही है 9.81, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9.81 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इसी को हम न्यूटन बोलते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम का एब्सोल्यूट यूनिट है 9.81 न्यूटन। समझ में आ रहा है, 9.81 न्यूटन, डायन नहीं होता, डायन नहीं होता। 10^5 इज इक्वल टू 1 डायन, बेटा 10^5 न्यूटन बराबर 1 डायन है। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू। तो भैया फ्राउड नंबर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट फ्राउड नंबर? अभी तो बताया था, लेक्चर शुरू हो रहा था, उसका पहला पॉइंट यही तो था, फ्राउड नंबर क्या है। तो अगर हम फ्राउड नंबर की बात करते थे तो फ्राउड नंबर इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये क्या होता था, ये रेशियो होता था किस किस फोर्स का, तो इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। सो इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। यानी कि इसको लिखने का तरीका भी हमने बताया था, फ्राउड नंबर इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स यानी एफ आई और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एफ जी। अरे यही ग्रेविटेशनल फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल है कि इस फ्राउड नंबर का यूज पाइप फ्लो से ज्यादा ओपन चैनल फ्लो में किया जाता है। समझ में आ रहा है, यही ग्रेविटी फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल है, क्या इसका यूज पाइप फ्लो से ज्यादा कहां पर किया जाता है, ओसीएफ यानी ओपन चैनल फ्लो में किया जाएगा, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो में जो पानी बहता है ना, वो पानी कभी भी प्रेशर डिफरेंस के कारण नहीं बहता। मैं आपसे बोल रहा हूं ओपन चैनल फ्लो में जो पानी बहता है ना, ओपन चैनल फ्लो में पानी कभी प्रेशर डिफरेंस के कारण नहीं बहता, ओपन चैनल फ्लो में पानी जो बहता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ड्राइविंग फोर्स के कारण वाटर फ्लो होता है। जिनने मुझसे ओपन चैनल फ्लो पढ़ा है वो इस बात को फील कर पा रहे होंगे, तो इसी का रीजन है ये। तो हमने बोला फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, जो इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, ये इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स का रेशियो होगा, इस बात को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूं, द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज नॉट इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। भैया अभी बताया मैंने, हमने आपसे बोला था कि अगर हमारा एक ये फ्लूइड मास है और फ्लूइड मास पर हर डायरेक्शन में प्रेशर का वैल्यू इज सेम, अगर ईच एंड एवरी डायरेक्शन में प्रेशर का वैल्यू सेम है, अगर हमारे फ्लूइड मास पर ईच एंड एवरी डायरेक्शन में प्रेशर का वैल्यू इज सेम, तो इसका मतलब हमने क्या बताया था, कि इसका मतलब हमने बताया था कि हमारा फ्लूइड अगर ईच एंड एवरी डायरेक्शन में प्रेशर सेम है, कोई चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन है ही नहीं, यानी हमारा जो फ्लूइड है, हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लूइड
आराम से बैठा होगा, आराम से बैठा होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा, ठीक है ना। अगर इक्वल नहीं होगा तो कभी फ्लूइड पार्टिकल यहां जाएगा, कभी फ्लूइड पार्टिकल यहां जाएगा, कभी यहां जाएगा, कभी यहां जाएगा। और जब फ्लूइड पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा, अब जब फ्लूइड पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा तो उस पर क्या डेवलप होगी, देयर आर शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी डेवलप होगा। और जहां विस्कोसिटी जिंदगी में आ गया वहां पर शियर तो ऑलरेडी इनबिल्डेड है ना यार, जहां पर विस्कोसिटी आ गया वहां शेयर ऑलरेडी इनबिल्डेड है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वहां पर शेयर इज ऑलरेडी इनबिल्डेड, वहां पर शेयर हमेशा इनबिल्डेड होगा बेटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देयर आर शेयर स्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेशर इक्वल नहीं है तो इस पर शेयर स्ट्रेसेस एक्ट कर रहा होगा। ये बात आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फॉर अ पाइप फ्लो, अगर मैं पाइप फ्लो की बात करता हूं, रेनॉल्ड नंबर इज 1500, अगर उसका रेनॉल्ड नंबर 1500 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अच्छे तरीके सुनिए और समझिएगा। तो मैंने आपसे बोला अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू इज 1500, इफ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज बिकम इक्वल टू 1500, अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू हमारा 1500 है, तो ये हमसे बोल रहा है F का वैल्यू बता दो भैया कितना होगा। अरे हमने निकालना बताया था, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू होता है, यानी F इज इक्वल टू होता है 16 अपॉन RE, अरे बताया था कि नहीं, तो 16 अपॉन रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 1500, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 15 × 96 = 15 × 70, तो ये हमारे पास लगभग हो जाएगा 0.0106 के समथिंग होना चाहिए। मैं इसको कैलकुलेट करके आपके लिए बता देता हूँ, 16 upon 1500 द वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 0.0, द वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 0.0106, इट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल f, ये स्मॉल f का वैल्यू मिला। और ये तब वैलिड था जब हमारा फ्लो कैसा होगा, ये तब वैलिड था जब हमारा फ्लो लेमिनार है। अगर हमारा फ्लो टर्बुलेंट होता, बड्डा वाला फॉर्मूला लगता, बड्डा वाला, सही बात है, वो बड्डा वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इस छोटे वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों और आप आराम से सॉल्व कर लेना। सो द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर अगर 16 है हमारे पास, तो एफ का वैल्यू 16 upon RE, और ये कंसिडर करना है कि हमारा फ्लो जो होगा वो लेमिनार होगा, क्योंकि पाइप के अंदर फ्लो हमेशा लेमिनार ही होता है, ये बात आप हमेशा याद रखना मैक्सिमम केसेस में। अब एकाध परसेंट कन्वर्जन डाइवर्जन सेक्शन हो, सडन ग्रेजुअली, यानी अगर मान लीजिए सडन कॉन्ट्रैक्शन आ गया, सडन एक्सपेंशन आ गया, देन कंडीशन इज डिफरेंट मेरे भाई, समझ में आ रहा है, देन कंडीशन इज डिफरेंट मैं बोल रहा हूं, तब कोई कंडीशन अलग हो सकती है, अदरवाइज तो आप सभी को अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा है देन कंडीशन इज डिफरेंट, तो कंडीशन डिफरेंट हो सकता है, वो मैं आपकी बात मानता हूं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द डार्सीज विस्वेच फ्रिक्शन फैक्टर एंड चेजीज कॉन्स्टेंट इज, तो भैया चेजीज कॉन्स्टेंट, हमें जो चेजीज कांस्टेंट दिख रहा है और डार्सीज विस्वेच फ्रिक्शन फैक्टर जो दिख रहा है, तो डार्सीज विस्वेच फ्रिक्शन फैक्टर एंड चेजीज कांस्टेंट की जब मैं आपके सामने बात करूंगा तो इनमें रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पढ़ाया है। अगर मैं आपके लिए बात करूंगा तो ये हमारे पास रिलेशन आता था, सी इज इक्वल टू अंडर रूट 8g/f, दिस इज द वैल्यू। बहुत सारे बच्चे इसको टुक्का मार देंगे, ना बेटा ना, उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है, एफ अपॉन जी लिखा है, ऐसी गलती मत करना, ये देगा ऐसे क्वेश्चन, फालतू के क्वेश्चन देगा, फालतू ऑप्शन देगा और आपसे बोलेगा एफ अपॉन जी और जी अपॉन एफ, इतना प्रेशर, भूल जाओगे, भूलना नहीं है। सी इज इक्वल टू अंडर रूट 8g/f, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, बच्चा गलती से ये मार आएगा, अरे ये नहीं भैया, दोनों साइड स्क्वायर तो करो, तो दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8g/f, दिस इज द वैल्यू, ये हमारे पास स्क्वायर करने पर आएगा एंड द वैल्यू इज बिकम 8g/f, ये स्क्वायर करने पर हमें वैल्यू दिखाई दे रहा है, सही बात है। चलिए आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं, तो हमने आपसे बोला कौन सा इक्वेशन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8g/f, दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड टू, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कब किया जाएगा,
बर्नौली इक्वेशन कहां कहां अप्लाई हो सकती है? अरे भैया फ्लूइड डायनेमिक्स पूरा बर्नौली पे ही बेस्ड था, और फ्लूइड डायनेमिक्स में ही पिटोट ट्यूब पड़े हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स में ही वेंचुरी मीटर पड़ा है, वैसे में ही हमने ऑरिफिस मीटर पड़ा है। चाहे कोई भी हो, बर्नौली ऑल में एप्लीकेबल है, पिटोट ट्यूब में भी, वेंचुरी मीटर में भी, ऑरिफिस मीटर में भी। यानी कि बी टुक्का इज करेक्ट। हमारा बी टुक्का क्या होगा? हमारा बी टुक्का ही यहां पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमसे क्या बोल रहा है। कैविटेशन इन अ पाइप फ्लो व्हेन? भैया कैविटेशन पाइप में कब फ्लो करता है? अरे बनी बात है ना बच्चों, हमने आपसे बोला था जब वहां पर वैक्यूम प्रेशर फॉर्म हो जाए। यानी कि वैक्यूम प्रेशर को हम क्या बोलते थे? नेगेटिव गेज प्रेशर। अगर मान लीजिए नेगेटिव गेज प्रेशर हमारे पाइप के अंदर आ रहा है, तो वहां पर कैविटेशन यानी कि पानी के बुलबुले साथ साथ तैरने लगते हैं, और जैसे ही वो हाई प्रेशर रेंज में जाएंगे वो फूटना चालू हो जाएंगे, फट 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 फट। तो उससे दिक्कत ये होती है कि एक तो वो नॉइस क्रिएट करेंगे, साथ में पिटिक फेलियर दे देते हैं पाइप के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये एक बहुत दिक्कत की बात है। तो हमारा जो कैविटेशन होता है वो तब फॉर्म होता है जब नेगेटिव गेज प्रेशर यानी वैक्यूम प्रेशर में हमारा पानी चला जाए, हमारा फ्लूइड चला जाए। जनरली टर्बाइन और पंप के अंदर ऐसी क्रियाएं देखने को मिलती हैं, द प्रेशर बिकम नेगेटिव। जब हमारा प्रेशर नेगेटिव हो जाए, बिकम नेगेटिव का मतलब होता है, बिकम नेगेटिव का मतलब होता है बेटा क्या? इट इज नेगेटिव गेज प्रेशर। तो जो नेगेटिव गेज प्रेशर होगा उसी को मैं आपके सामने कंसीडर कर लूंगा। इस बात को सभी महानुभाव अच्छे तरीके से याद रखें और सभी महानुभाव अच्छे से समझें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम आपके सामने थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? नाउ सी हियर, नॉच इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो बेटा जो नॉच होता है काय के लिए यूज होता है? इट इज डिस्चार्ज मेजरमेंट, है ना, डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए हमने इसको यूज किया, लेकिन कहां पर यूज करेंगे? जहां पर स्मॉल ओपनिंग हो, छोटा मोटा ओपनिंग हो, सही बात है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कोई स्मॉल चैनल है, छोटा सा चैनल है, तो वहां पर नॉच का यूज किया जाता है, ठीक है। तो नॉच का यूज जनरली हम कहां पर करेंगे? तो नॉच का यूज हम डिस्चार्ज मेजरमेंट में तो करते हैं, बट कौन से चैनल में करते हैं? तो हम आपके सामने इसका यूज करते हैं, इट इज फॉर स्मॉल चैनल। स्मॉल चैनल में इसका यूज किया जाएगा, और स्मॉल चैनल में यूज किया जाएगा तो इसका मतलब है रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ स्मॉल चैनल। स्मॉल चैनल में रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पर नॉच का यूज करना पड़ता है। तो नॉचेस आर जनरली यूज टू कैलकुलेट रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ स्मॉल चैनल। अगर मैं स्मॉल चैनल में, छोटे मोटे चैनल में यानी कि फ्लो कैलकुलेट कर रहा हूं, तो फिर इसका मतलब है कि वहां पर क्या होगा? वहां पर अगर देखा जाए तो नॉच का यूज किया जाता है डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस के तौर पे। आगे चलते हैं, इन वेंचुरी फ्ल्यूम। अगर हम आपके सामने वेंचुरी फ्ल्यूम के बारे में बात करेंगे, तो वेंचुरी फ्ल्यूम में द फ्लो टेक प्लेस एट, तो बेटा वेंचुरी फ्ल्यूम में जो फ्लो टेक प्लेस होता है यानी जो फ्लो घूमता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर पे घूमेगा, सही बात है ना। एब्सोल्यूट प्रेशर, अगर कहां पर कुछ यानी कोई भी प्रेशर है वो एब्सोल्यूट प्रेशर ही तो है, कोई भी प्रेशर है इसका मतलब वो एब्सोल्यूट प्रेशर ही तो है, सही बात है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर पर ही हमारा फ्लूइड वहां पर घूमता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, ये हमसे क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने हमसे बोला अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। अगर हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नोजल के बारे में बात करते हैं, इफ आई विल टॉक अबाउट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल। अगर हम कन्वर्जन और डाइवर्जन नोजल के बारे में आपके सामने बात करेंगे, व्हेन द डिस्चार्ज प्रेशर इज, तो भैया कब ये यूज होता है? जब डिस्चार्ज प्रेशर जो होगा, डिस्चार्ज प्रेशर इज लेस देन द क्रिटिकल प्रेशर। जब डिस्चार्ज प्रेशर का वैल्यू क्रिटिकल प्रेशर से कम होगा, तब हम इसका यूज आपके सामने करते हुए दिखेंगे। आर यू गेट माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस। वेंचुरी मीटर कौन सा डिवाइस है? अ वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द, तो बेटा वेंचुरी मीटर का यूज क्या है? किसी भी पाइप में रेट ऑफ फ्लो को मेजर करना ही तो वेंचुरी मीटर का यूज था। तो इट इज मेजर्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। किसी भी पाइप में जब हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसका डिस्चार्ज मेजर करना वेंचुरी मीटर का मेन कर्तव्य है, मेन काम था। ये बात भी हम सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, किस तरीके से मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। ये हमसे बोल रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट। अरे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता था? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट करता है सभी प्रेशर एनर्जी, यानी प्रेशर हेड
हेड, काइनेमेटिक काइनेटिक हेड और डेटम हेड तीनों का सम तो था। अगर मैं केवल डेटम हेड और प्रेशर हेड को मिलाता तो हमें बेटा TEL नहीं मिलता, हमें HGL मिलता, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मिलता, टोटल एनर्जी लाइन नहीं मिलता। इफ आई वांट टोटल एनर्जी लाइन टू कैलकुलेट तो हमें टोटल हेड यानी कि प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड को एक दूसरे के साथ ऐड करना पड़ेगा, सभी हेड को कंसीडर करना पड़ेगा। सत्य बोल रहा हूं ना। आगे चलिए, द फ्लो इज लेमिनार इन रॉड नंबर, तो ये बनी बात है, ये तो हम पहले ही बता चुके, फ्लो केवल और केवल तभी लेमिनार होगा, अ फ्लो इज कंसीडर्ड एज अ लेमिनार, फ्लो को तभी लेमिनार कंसीडर किया जाएगा जब रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, जब रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू क्या हो जाए 2000 से कम हो जाए। सर अगर 2000 से 4000 के बीच में रहा, हाँ हाँ वो ट्रांजिशन कहलाएगा, और अगर सर 2000 से ज्यादा हो गया तो बिल्कुल भैया वो टर्बुलेंट कहलाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमसे लेमिनार पूछा इसलिए मैंने लेस देन 2000 पर टुक्का मारा है। क्या बोल रहा है, फॉर इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन, अगर हम इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं ठीक है ना, ऑफ कैनाल डेप्थ ऑफ फ्लो शुड बी, तो डेप्थ ऑफ फ्लो कितना होना चाहिए, हमने आपके सामने ऑलरेडी बोला है y इज इक्वल टू बी बाय टू, अरे बोला है कि नहीं, बी इज इक्वल टू टू बाय, हम स्टेटमेंट लिखते थे, यानी कि हाफ ऑफ द विड्थ के बराबर होना चाहिए। इट्स अ वेरी आसान। नेक्स्ट, फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल द फ्लो बिकम टर्बुलेंट, द रेनॉल्ड नंबर विल बी, भैया तो सच बनी बात है रेनॉल्ड नंबर ओपन चैनल के लिए अलग तरीके से डिफाइन है, लेस देन 500, तो हमसे ये हमसे टर्बुलेंट पूछ रहा है, तो जब रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू, जब रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने इसने क्या पूछा टर्बुलेंट कब होगा, तो जब रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होता है, सही बात है ना, रेनॉल्ड नंबर लेस देन 500, 500 से 2000 इज द ट्रांजिशन। अभी हमसे क्या पूछ रहा है टर्बुलेंट कब होगा, व्हेन एन रेनॉल्ड नंबर बिकम, तो रेनॉल्ड नंबर बेटा जब लेस ग्रेटर देन 2000 होगा, रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 2000 तब जाकर हमारा फ्लो इज बिकम, तब जाकर हमारा फ्लो क्या होगा टर्बुलेंट होगा। तो आप याद रखिए नन ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर है, मोर देन 500 करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि 2000 से 4000 के बीच तक जब तक ये रहेगा उस कंडीशन में ये फ्लो कभी भी टर्बुलेंट नहीं रहेगा, ट्रांजिशन रहेगा, सही बात है, इस बात को याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अ सेक्शन, अगर क्रिटिकल डेप्थ हमारे लिए सेक्शन का गिवन है 1.5 मीटर, ये स्पेसिफिक एनर्जी पूछ रहा है, यार EC इज इक्वल टू 3 बाई 2 YC होता था कि नहीं होता था रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, तो 3 बाई 2 YC का वैल्यू 1.5, तो हमारे पास वैल्यू आया 2.25 मीटर, दिस इज द वैल्यू, ये हमने आपके सामने वैल्यू उसको डिस्कस किया है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये हमसे बोल रहा है इफ द फ्राउड नंबर इन ओपन चैनल फ्लो इज इक्वल टू 1, अगर फ्राउड नंबर 1 है तो बेटा फ्लो क्रिटिकल कहलाता कि नहीं कहलाता था, बिल्कुल सही बात है, दिस फ्लो इज बिकम क्रिटिकल, ये फ्लो क्रिटिकल कहलाएगा। इसके बाद करंट मीटर का यूज क्यों किया जाता है, तो नदी में फ्लो को मेजर करने के लिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए इसका यूज करता था, तो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी, स्ट्रीम वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता था। सो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, थैंक्स एवरीवन, जय हिंद जय भारत।